फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आज मैं समर की स्पेशल ये कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 300 ग्राम कटहल लिया है, इसको मैंने बढ़िया से साफ करके कट करके लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको उबालूंगी, तो मैं इसको पहले कुकर में डाल देती हूँ। इसके पीसेस जैसे आपको पसंद हो आप वैसे से इसको कट करें, बड़े पसंद हो तो आप बड़े डालें और छोटे पसंद का भी उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इसमें डाल देती हूँ पहले, बराबर से इसको कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना डालना है कि जितने में ये आसानी से पूरे उबल जाए। बहुत थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढक करके 2 सीटी तक इसको पका लेती हूँ, या फिर आपको जितना पसंद हो, अगर इसका आपको बहुत कड़ा पसंद हो तो आप इसको 1 सीटी उबालें, और फिर ज़्यादा थोड़ा गला हुआ पसंद हो तो आप इसे 2-3 सीटी लगा सकते हैं। अब इस खास सब्जी को बनाने के लिए मैंने ये 2 प्याज कट करके लिया हुआ, बड़ा बड़ा ही मैंने कट किया है। 1 चम्मच लहसुन है, इसको मैंने बड़ा बड़ा पीसेस में भी कट कर लिया है, और ये अदरक है, 1 बड़ा चम्मच अदरक को मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, और 3 हरी मिर्च है। तो चलते हैं इसको बनाने। जब तक कटहल उबलता है तब तक मैं कुछ मसाला तैयार कर लेती हूँ उसको बनाने के लिए। ये मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 चम्मच ये जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है 1/2 छोटी चम्मच। इन सबों को पानी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ी देर इसको भिगा लेंगे। इस तरह से भिगा के रखने से मसालों का फ्लेवर उभर के आता है। बस इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तब तक सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। कटहल भी उबल करके तैयार हो गए हैं, मैं इसको खोलती हूँ। देखिए पानी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें मैं पहले तेल डालती हूँ, 2-3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसको चारों तरफ अच्छे से थोड़ा सा फैला लेंगे। अब तेल बढ़िया गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले कटहल को थोड़ा सा भून लेती हूँ। आप चाहे तो बिना भूने भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको भून के बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसको भून लेंगे। कटहल थोड़े भून गए हैं, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा मैं तेल डालती हूँ कटहल की सब्जी को बनाने के लिए। मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल दे सकते हैं, लेकिन कटहल की सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें सबसे पहले कुछ खड़े मसाले डालती हूँ, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा इन मसालों का फ्लेवर आ जाए इसमें, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, हींग तो इसमें पड़ेगा ही, चुटकी भर हींग जो डालना चाहिए कटहल सब्जी में। अब मैंने इसमें जो लहसुन काट के रखा है उसको डालूंगी, अदरक भी कच्चा करके रखा है उसको डालती हूँ, हरी मिर्ची, अदरक से लहसुन को भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन भी हल्का ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसे प्याज डाल देती हूँ, प्याज को बढ़िया ब्राउन कर लेंगे। हर किसी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इस तरीके से आप बना करके देखिए आपको जरूर पसंद आएगा। जो मैंने इसमें खड़ा मसाला डाला है उसको सर्व करते समय निकाला जा सकता है। प्याज भी हल्का ब्राउन हो गया है, मसाला घोल के रखा था सूखा मसाला, उसको मैं डालती हूँ इसमें, तो मिक्स कर लेंगे बढ़िया। अब जो कटहल का पानी बचा के रखा था मैंने उबालते समय जो उसका पानी निकला था, उसको मैं फिर थोड़ा सा डाल देती हूँ। मसाला बनने अच्छे से भुना जाएगा इसमें। थोड़ी देर ढक करके मसालों को पकने देंगे। अब थोड़ा खोल के देखती हूँ क्या हाल है।
मसालों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसी में थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी, हाथ से क्रश करके डालेंगे एक चम्मच लगभग, मिक्स कर लेंगे बढ़िया से इसी में। अब कटहल को इसमें डालने का टाइम आ गया है, मैं कटहल को इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक पड़ेगा, उबालते से मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो इस हिसाब से इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर लेंगे बढ़िया इसको, हल्का समय से पानी डालती हूँ, सभी चीज़ें जैसे एक साथ हो जाए बराबर से, मसाला और कटहल में अच्छे से कोट कर ले। बस अब इसको थोड़ी देर में ढक देती हूँ, अब देखती हूँ थोड़ा सा लिड हटा करके क्या हाल है। कटहल की टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हो गई है, कटहल बढ़िया पक गए हैं लेकिन बहुत मैशी नहीं हुए, ऐसी चाहिए हमें। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो ये देखिए कटहल की टेस्टी सब्जी बन करके तैयार है, इसको मैंने बहुत ही सादे तरीके से बनाया है, बहुत ही कम मसाले में बनाया है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी।